मेरी कोरा कागज टेक्निक तो आपको बताई होगी, किस किस को नहीं पता, बहुत लोग पूछ रहे थे आज एक बार, वो बता रहे थे। कोरा कागज टेक्निक सुन रहे हैं सब? हाँ, कोरा कागज टेक्निक। यार देखो, मैं आपको अभी एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ, सुनना जरा। मैं आपको अभी एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे ना केवल आपकी मेमोरी, मतलब जो आप जो भी याद करते हो वो लंबे टाइम तक याद रहेगा, बल्कि आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर आएगी। एग्जाम में रिकॉल करते हुए आधे आधे में बीच में भूल जाते हैं वो नहीं होगा। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ज़्यादा लंबे समय तक अप्लाई कर पाओगे, सॉल्यूशंस अच्छे से देख के उसको आगे, कभी अगर वो क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लगा पाओगे, और ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपके बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक टिप बताऊंगा उससे हो जाएगा। वो टिप बहुत ध्यान से सुनना, उसको हम कहते हैं कोरा कागज़ टेक्निक। आपको पता है मैं अपने जेई के टाइम पर इस तरह की ना लूज शीट्स रखता था, सुनना ज़रा। ये लूज शीट्स होती थी, ठीक है, ऑल दो मतलब आई डोंट नो यार किसी के लिए एप्लीकेबल है नहीं है, बट लूज शीट्स का मैं क्या करता था, लूज शीट्स का फ़ायदा ये था कि उससे अगर मान लो अगर लूज शीट्स हैं तो अगर आप उस पर कुछ लिखते हो तो आपको मन में एक डर रहता है, डर रहता है कि यार लूज शीट है तो मैं फेंकूंगा, करने का रद्दी में जाएगी। नोटबुक होती है वो इकट्ठी रहती है, पूरी नोटबुक अपन संभाल के रखते हैं, लूज शीट अपन संभाल के नहीं रखते जनरली। तो मैं लूज शीट पर जब लिखता रहा तो मेरे दिमाग पर प्रेशर रहता था कि भाई ये याद करना पड़ेगा, और लूज शीट पर लिखने के बाद कई बार तो मैं, कभी कभी, हर बार नहीं, कभी कभी मैं उसको फाड़ देता था कि भाई अगर, क्योंकि होता क्या यार, आप जिंदगी में जब भी सपोर्ट सपोर्ट बनाओगे ना तो आप कमज़ोर हो जाओगे। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा नोट्स मेरे लिए सपोर्ट है तो फाड़ दो नोट्स को, उससे दिमाग पे रहता है भाई तुझे याद रखना पड़ेगा, नोट्स में लिखा है, नहीं तो बंदा लाइट रहता है कि नोट्स में लिखा है तो करते रहेंगे याद। ऑल्दो ये एक सिंबॉलिक बात समझना, कभी कभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो ये, पर मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ, इसको कहते हैं कोरा कागज़ टेस्ट। आप कभी भी कागज़ देखो, आप कभी भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो, आपने पढ़ लिया ना, जब भी इंसान कॉन्सेप्ट पढ़ता है आप कभी सोचना ज़रा, आपने मान लो एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, आपको ना उस टाइम पर इतना ज़्यादा वो रहेगा, एक्सेप्ट, जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया आपको इतना कॉन्फिडेंस रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आता है भैया, कुछ भी पूछ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा आता है, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बढ़िया आता है, उस टाइम आपको ये विश्वास रहता है। ऑल्दो ये विश्वास ज़रूरी नहीं हमेशा सच हो, पर आपको विश्वास रहता है। तो आपको मैं कहता हूँ अगर, मतलब इस तरह देखो, अगर तेरे को लगता है कि तेरे को आता है तो ये बिल्कुल ब्लैंक पेपर ले, ये ले, इस पर लिख के दिखा, बिना कहीं से देखे लिख के दिखा, बिल्कुल ए टू जेड लिख के दिखा, कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, लिखो। आपको ये जब अगर आप करोगे ना तो कल को आपको, अगर मतलब सोचो आप एग्ज़ाम में क्या होता है, आप ध्यान से सोचो, आप किसी भी चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हो, चलो हाफ वेस्टेड डेज की बात कर लेंगे, आप किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हो, ध्यान से सुनना, यार कहाँ पे दे को डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं ऐसे कमेंट देख के। कोई बताएगा जरा वेयर डिड आई लेफ्ट ऑफ, जल्दी क्विक क्विक क्विक, टॉपिक इसीलिए भटकना नहीं चाहिए, ये भी एक टिप है, आगे आएंगे इस पर, क्विक यार। कोरा कागज तो ठीक है, उसमें कहाँ पे था मैं, हाँ आप कल को, आप एक बात सोचो, जो एग्ज़ाम है आपका, एग्ज़ाम में आपके पास नोटबुक तो होगी नहीं, ना ही आपने कॉन्सेप्ट को फ्रेश पढ़ा होगा, एग्ज़ाम कोरा कागज़ ही तो है, उसमें आपको कोरा कागज़ ही तो मिलता है रफ शीट की तरफ, आपको उस पर वो रिकॉल करना होता। सोचो आप ये तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए, तो कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, तो जो जो एग्ज़ाम में चैलेंजेस आएंगे, अब इंसान की बड़ी बेकार बात है कि जो एग्ज़ाम में चैलेंजेस आएंगे उनको वो सोचता है कि एग्ज़ाम में देखेंगे, समझो, क्या ये गलत बात नहीं है कि एग्ज़ाम में जो चैलेंज आएगा हम उसको एग्ज़ाम में देखेंगे, क्या पता लास्ट दिन पे हमारे पास कोई चमत्कारी शक्ति आ जाए जिससे हम उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सके,
हमें आज नहीं देखने वो चैलेंजेस, आज हम घटिया मॉड्यूल्स करेंगे, आज हम बेकार चीज़ें करेंगे, लो लेवल के क्वेश्चन करेंगे, अपने आप को धोखे में रखेंगे, सारे दिन 8-8 घंटे लेक्चर देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, कम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, ये सब क्या ज़रूरी है? बाद में जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम में अपने आप ही हमें ये सब आ जाएगा ऑटोमेटिकली जादू से, ठीक है, पर ये होता नहीं है। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में कोरा कागज़ होगा, एग्ज़ाम में कोरा कागज़ होगा, वहाँ पे आपको रिकॉल करना है। इट्स जस्ट लाइक कि आपको मैंने नींद से उठाया, भाई उठ उठ, ये ले चल इस पर लिख के दिखा पूरा, तू मुझे लिख के दिखा, कोई कोई भी टॉपिक देख लो, जैसे गॉस लॉ की डेरिवेशन, गॉस लॉ की डेरिवेशन आप लोग तो करते नहीं हो, चलो मुझे इस पर एम्पियर लॉ पूरा समझा, ये क्वेश्चन है ये करके दिखा चल, बिल्कुल नींद से उठा आंखें खोली करके दिखा चल। अगर आप यहाँ पहुँच गए तो आप सॉर्टेड हो टिल जाइए, आपको आपकी रिवीजन भी क्विक होंगी, नहीं तो बंदे क्या करते, पहली बात तो ढंग से पढ़ा ही नहीं होता, पहली बात तो एक असलियत में पढ़ा नहीं होता, वहम होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्रैक्स होते हैं, जो आपकी पढ़ाई है ना, अपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, डेफिशिएंसीज होती है, वो कभी सामने आती ही नहीं, क्योंकि हम कोरा कागज़ टेस्ट नहीं करते। आप कोरा कागज़ टेस्ट अगर कर लोगे तो आपको सब पता चल जाएगा, और फिर आप ठीक कर लोगे, फिर कोरे कागज़ से आपके माइंड पे प्रेशर ही पड़ेगा कि उसको रिकॉल करना है, फिर एंड में आप रिकॉल कर भी लोगे तो उसके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, कल को नहीं भूल भी गए ना, हल्का भूल गया तो आपकी रिकॉलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि एक बार ही पढ़ के आपको जल्दी से आ जाएगा। नहीं तो क्या होता है, बंदे पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर पूरा कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, फिर पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने को दोबारा पढ़ने को रिवीजन कहते हैं, वो रिवीजन नहीं होता, रिवीजन होता है आपको आता है, आप बस हल्का फुल्का जो कच्चा रह गया कहीं दिमाग टाइम के साथ आपके कॉन्सेप्ट में जो डिके आया है आप बस उसको रिफिल कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। बात समझ गए, कोरा कागज़ टेस्ट, अरे आप करो अपने दिमाग से, आप कहोगे तो कोरा कागज़ टेस्ट पे मैं एक सेशन ले लेता हूँ, उसमें आपको मैं लाइव कोरा कागज़ टेस्ट करके दिखा दूंगा व्हाट्स से। चैनल सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं इस पे बहुत सारे सेशंस लेने वाला हूँ चैनल पर, ठीक है, क्लियर हो गया। कोरा कागज़ पर नहीं, डेफिनेशंस मत लिखो, डेरिवेशंस लिखो, सॉल्यूशन आपने देख लिया। अब क्या होता है, बंदा सॉल्यूशन देखता है, यार क्वेश्चन नहीं हो जल्दी से सॉल्यूशन देख, अरे ये तो ऐसे होना था, अब आगे बढ़ जा, होता है ऐसा, क्वेश्चन 23 देखा नहीं हुआ, सॉल्यूशन देखा, देख लिया, अच्छा ये तो ऐसे होना था, आगे बढ़ गए। दिस बिहेवियर इज हराम, ठीक है, दिस बिहेवियर इज रॉन्ग, दिस बिहेवियर विल नॉट टेक यू टू IIT, क्लियर है बात, दिस बिहेवियर विल नॉट टेक यू टू IIT। आपने सॉल्यूशन देखा है, चलो अब फिर कोरे कागज पे लिख के दिखाओ बिना देखे, किताब बंद करके। और अगर आपको डर लग रहा है कि भैया ऐसे कैसे करेंगे हम, तो एग्जाम में कैसे करोगे, अरे करोगे ना, थोड़ा शुरू करोगे, गलतियाँ होंगी, कमियाँ छूटेंगी, तो आप जाके देखोगे, सुनना बात को, कमियाँ छूटेंगी तो आप जाके देखोगे कि यार मैंने ये चीज़ ढंग से नहीं पढ़ी थी, फिर से पढ़नी पड़ेगी, अरे यहाँ अटक गया, कोरे कागज़ पर लिखते लिखते अटक गया, तो फिर से पढ़नी पड़ेगी, आप जाके फिर से पढ़ोगे, फिर आपको होएगा यार मैं ना कुछ चीज़ें इस तरह की इग्नोर कर दिया करता हूँ थ्योरी पढ़ते हुए, आगे से इग्नोर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अभी इसका पता भी चल रहा है, तो फिर आप अगली बार से आपका पढ़ने का तरीका ही इम्प्रूव हो गया। बात समझे कि नहीं समझे।